छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला एवं ब्लॉक से बसे हुए लोगों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दिया गया है। रायपुर राजधानी में न्यू महात्मा गांधी में गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं, जिसके कारण करीब एक महीना से लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और वहां के स्थानीय अखबार के लोग इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हम लोग न्यू महात्मा गांधी नगर के रहवासी हैं। 10 जून 2011 को बिना नोटिस दिए नगर निगम पुलिस प्रशासन 10-12 बुलडोजर लाकर धराधर मकान तोड़ना चालू कर दिया। रहने के लिए घर भी नहीं है तो हम लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ पुलिस बोलते हैं कि हमारा जमीन है करके, इतने साल से पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारा जमीन है करके, और बाद में हम लोग बस गए तो सरकार बोलती है हमारा जमीन है, ऐसे करके हम लोग को भगा रहे हैं। पुलिस को एक महीने से यहाँ रखा गया था कि हम लोग को भगाने के लिए, तो हम लोग गरीब आदमी जाएंगे तो जाएंगे कि यहाँ। एक तरफ गरीबों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ रहे हैं और वहीं दूसरे तरफ पुलिस आवासी के लिए बोर्ड लगा दिया गया है और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको असहाय दबे कुचले परिवार को हक नहीं मिल रहा है। अभी तो मेरी खुद दिलवरी का समय है लेकिन मेरे को कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, न यहाँ रहने की भी व्यवस्था नहीं है, एकदम बहुत परेशानी जा रहे हैं। कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई हल भी नहीं निकल रहा है। मेरा 4 बच्चे हैं, कोई भी बच्चों का पढ़ाई, चारों बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो मजबूरी में यहाँ फंसे हैं सारे, हमको कोई माँ बाप नहीं है और हमारे सहायता करने वाला कोई है ही नहीं है। आदमी के पास जाता हूँ बोलने के लिए कहीं भी तो कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल और महापौर के पास गए, वो लोग मतलब और हम लोग को और मतलब बोल दिया कि हम लोग को कुछ मालूम नहीं है करके। मैं चाहती हूँ कि हमारे गरीब असहाय दबे कुचले लोगों को हक की लड़ाई में साथ दें और इस मुद्दों से जुड़े हुए भाई बहनों को भी इस संघर्ष में शामिल होकर इन मजदूरों को न्याय मिले। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडियन हट के लिए।